मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के बीच मुलाकात बिजली बिल को लेकर हुई, लेकिन बीजेपी को लगता है कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल के आगे नतमस्तक हो गया है। ये मुलाकात दोनों के बीच गठबंधन की दिशा में शुरुआत है। कांग्रेस तो हमसे भी एक कदम आगे जाकर के ये कहती थी कि अगले 6 महीने तक लोगों से बिजली का बिल ही ना लो, वो पैसा वापस हो जाएगा। अरे हारून साहब कहाँ चला गया? मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसके बाद अब ये गठबंधन का मौसम आ गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिस तरह आज मुख्यमंत्री का डिफेंस किया है शीला दीक्षित और हारून यूसुफ ने, अब ये स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया था, उसी तरह की हवा रही तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की 70 सीटों में से करीब 60 सीटें जीत सकती है। दूसरी ओर साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोलने वाली कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है। बीजेपी का आरोप है कि जो केजरीवाल शीला दीक्षित पर करप्शन का आरोप लगाते थे, अब उनके सुर बदले हुए हैं। वो व्यक्ति कुछ दिन पहले तक कहता था कि शीला दीक्षित चोर है, उसने बिजली में घोटाला किया है, मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है। अब वो भी चुप। शीला दीक्षित कल रात तक ये कह रही थी कि 6,500 का घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री ने पैसा खाया है इसमें बिजली कंपनियों से, आज वो भी चुप। अब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हम गठबंधन किस बात का, क्या विधान, अभी आपका इशारा विधानसभा चुनाव की तरफ? बिल्कुल, ये विधानसभा चुनाव के गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। साल 2015 में भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी इन लोकसभा चुनावों में 70 विधानसभा क्षेत्रों में से एक पर भी बढ़त नहीं बना सकी थी। विधानसभा चुनाव को लेकर उसके कार्यकर्ता और नेता लगातार लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब आने वाले वक्त में गठबंधन की सुगबुगाहट है विधानसभा चुनाव में, जो कि अगले साल फरवरी में होने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये देखना होगा कि जो सियासी ऊंट है किस करवट बैठता है,